राजनेता बनने के लिए कुछ खास गुण की आवश्यकता नहीं होती। आप जैसे भी हैं वैसे ही राजनीति में अंगद की तरह जाकर अपना पांव जमा सकते हैं। और मेरा दावा है कि जैसे लंका में कोई नहीं था अंगद का पांव उठाने वाला, वैसे ही आपको भी राजनीति से कोई हिला नहीं सकेगा। राजनीति में कदम रखने के लिए कुछ नियम है, यदि आप उन नियमों का पालन कर सकते हैं तो आओ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में आपका स्वागत है। ये लाइन्स हमारी नहीं, ये लाइन उनकी है जो लखनऊ के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के महानगर अध्यक्ष हैं व उद्योग किसान व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका नाम है अजय त्रिपाठी उर्फ मुन्ना जी, जिनका मानना है राजनेता बनने के लिए जिस गुण की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है वो है समाज सेवा। आप किसी भी नेता के बारे में जानोगे तो उस राजनेता में सबसे पहले आपको एक कुशल समाज सेवक मिलेगा, मतलब आपके अंदर समाज सेवा की भावना होनी चाहिए, तभी आप एक कुशल व कामयाब नेता बन सकते हो। इसी भावना को अपने अंदर समेटे चल पड़े हैं लोगों के बीच अपनी सहनशीलता और मनुष्यता का परिचय देने अजय त्रिपाठी जी। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहना है अजय त्रिपाठी जी का। नमस्कार, आप देख रहे हो अनन्य न्यूज, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ अनन्य न्यूज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। और हमारे आज के खास मेहमान हैं अजय त्रिपाठी उर्फ मुन्ना जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश लोहिया से, साथ ही वो प्रदेश अध्यक्ष हैं उद्योग किसान व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के। उनसे आपको रूबरू कराएंगे, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं स्टूडियो में। सर, आपकी बात करें राजनीति की, तो कैसे शुरुआत किया आपने, सबसे पहले क्या है आपका करियर का जो पड़ाव रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हम लोग साधारण परिवार से निकले हुए लोग हैं जी, और पूर्वांचल में एक जनपद पड़ता है बस्ती सिद्धार्थनगर, वहाँ से जब हम लखनऊ आए थे तो हमारा मकसद राजनीति करना नहीं था, हम तो किसी मकसद के तहत लखनऊ आए थे जी। लेकिन दो लाइनें वही है, मैं तो चला था जान में मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवा बनता गया। साधारण परिवार में जन्म लेने के कारण तमाम सी ऐसी परेशानियां हैं जो गरीब कमजोर मजलूम रिक्शा वाले ठेला वाले गुंटी वाले, जिनकी लड़ाई या तो कोई लड़ नहीं रहा था या लड़ने के बदले में उनसे कीमत ले रहा था, ऐसी तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों के मन में भी राजनीति करने का एक जज्बा पैदा हुआ जी। हम 1991 में लखनऊ में व्यापार मंडल की राजनीति में आ गए थे और व्यापार मंडल की भी राजनीति में बिल्कुल जीरो से जिंदगी शुरू हुई। और हमें कहने में ये खुशी है कि 25, 24, 27 साल के राजनीतिक जीवन में हम व्यापारी राजनीति में जीरो से लेकर के, और माता रानी की कृपा है कि आज जो शिखर की व्यापारी राजनीति है, उन तमाम बड़े नेताओं में से, नेता तो अपने को नहीं मान सकते हैं, एक कार्यकर्ता हैं। लंबे समय के राजनीतिक जीवन में हमें लखनऊ में हर फील्ड पे चुनाव लड़ाने का मौका मिला, विधानसभा का चुनाव प्रभारी रहा, लोकसभा का चुनाव प्रभारी रहा, उपचुनाव का चुनाव प्रभारी रहा, लखनऊ से मेयर जैसा चुनाव। साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग दम तोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे, हम मेयर जैसा चुनाव लखनऊ शहर में लड़े। 25,000 वोट हमें लखनऊ शहर की जनता ने निर्दलीय दिया, हमें आज लगाव है लखनऊ शहर के उन गरीबों से जिनके खिलाफ लोग जुल्म करते हैं जाति करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का। और दूसरा एक और शौक है, क्योंकि हम लोग जब लखनऊ आए थे राजनीति करने के लिए, राजनीति में एक बड़ी गिरावट आ गई है राजनीतिक दुनिया में। पहले जब लोग राजनीति करते थे तो एक पूरी टीम बनाते थे, संगठन के लिए काम करते थे, पार्टी के लिए लोग काम करते थे। अब पार्टी और संगठन से हट के लोग सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, उसके वजह से बहुत सी जो प्रतिभाएं लखनऊ शहर में उत्तर प्रदेश में हैं, जो राजनीति में सामाजिक दुनिया में कुछ कर सकते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है लखनऊ शहर में, कि हमारे जीवन में तो अभाव रहा, 25 साल में हमें मौका बहुत मुश्किल से मिल पाता था किसी भी फील्ड में किसी भी जगह पर, लेकिन अगर हमारे थोड़े से प्रयास से वो जो लंबी दूरी है किसी की भी कम हो सकती है, तो निश्चित तौर पर हम वो भी करने का काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और जिसकी लड़ाई राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश में कोई नहीं लड़ेगा, उस लड़ाई को भी लड़ने का काम हम लोग करेंगे जी। सर, ये लड़ाई लड़ने के लिए आपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ही क्यों चुना, कोई और पार्टी भी चुन सकते थे जी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर 90 से लखनऊ में हूँ तो भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में मैं स्वयं रहा हूँ।
तीनों दलों की स्थिति को जानता हूँ, तीनों दल के नेताओं को जानता हूँ। बहुत बड़ी संख्या में नेताओं के साथ काम करने का हमें सौभाग्य लखनऊ शहर की जनता ने या लखनऊ शहर ने दिया। अब सवाल ये आता है कि मैं वर्तमान में प्रदेश सचिव था समाजवादी पार्टी में, रेगुलर प्रदेश सचिव था, अखिलेश जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, चीफ मिनिस्टर थे, तब भी प्रदेश सचिव था, और जब सरकार नहीं थी समाजवादी पार्टी की तब भी प्रदेश सचिव था। अगर हमने प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी को ठुकरा करके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में जाने का निर्णय लिया तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो विचार रहे होंगे। वो एक सबसे बड़ा विचार है कि माननीय शिवपाल यादव जी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। वो उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसे नेता हैं कि अन्याय के खिलाफ अपना धर्म समझ करके वो लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसे वो नेता है कि जो जवान दे देते हैं माननीय शिवपाल यादव जी, अपने जवान पर खड़े उतरते हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसे शिवपाल यादव जी नेता है कि जिन्होंने जगह जगह लोगों को नेता बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसे शिवपाल यादव जी नेता है जो उत्तर प्रदेश के सभी जनपद, सभी कस्बे, सभी लगभग जिलों में रहने वाले बड़ी संख्या में नेताओं को जानते हैं। दूसरे, आज जो इतनी गिरावट आ गई, प्रशासनिक क्षमता लोगों के पास आई नहीं, शिवपाल यादव जी उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसे नेता है कि वो जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है उसको अपने उंगलियों पर चलाना कल भी जानते थे, आज भी जानते हैं। इसलिए हमने भी शिवपाल यादव जी के संघर्षों में उनके साथ चलने का निर्णय लिया कि हम लोग संघर्ष में पैदा हुए हैं, संघर्ष करना जानते हैं, संघर्ष में रहना जानते हैं। इसलिए एक अगर अच्छा व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, अगर कभी भगवान की दया से, जनता के आशीर्वाद से, खास करके मीडिया के भी कृपा से, शिवपाल यादव जैसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की सत्ता में अगर मौका मिला, अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार माननीय शिवपाल यादव जी को चीफ मिनिस्टर बनाया, तो जिसके पास संगठन का लंबा अनुभव है, जिसके पास प्रशासनिक लंबा अनुभव है, जिसको उत्तर प्रदेश के एक एक कस्बे, एक एक बाजार की पूरी जानकारी है, ऐसे व्यक्ति को अगर जनता ने एक बार मौका दिया तो गरीब का भी भला होगा, रिक्शे वाले का भी भला होगा, ठेले वाले का भी भला होगा, और उत्तर प्रदेश की एक ऐसी तस्वीर निकल के आएगी जिसकी हम लोग कहीं ना कहीं से कल्पना करके इस राजनीतिक दुनिया में आए थे कि गरीबी अमीरी का जो ये लंबा गैप है ये खत्म हो जाए, जात धर्म मजहब की जो खाई है वो कुछ कम हो जाए, और जो सरकार की योजनाओं का लाभ है उत्तर प्रदेश के सभी जनता को मिलना शुरू हो जाए। वो काम आज के डेट में एक ही नेता कर सकता है, उसका नाम है माननीय शिवपाल यादव जी, और इसलिए हम लोग बिना किसी शर्त माननीय शिवपाल यादव जी के साथ। सर, आगे आपसे जानना चाहेंगे, वर्तमान की जो राजनीतिक व्यवस्था है या राजनीति जो दौर चल रहा है उसके अंतर्गत देखा जाए तो क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एकदम एक्यूरेट है कि मतलब उस राजनीति में फिट बैठ पा रही है? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि माननीय शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे, समाजवादी पार्टी को उन्होंने बनाया, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में उन्होंने खड़ा किया जगह जगह। अब सवाल आता है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनानी क्यों पड़ी, क्योंकि जो वर्तमान की राजनीति है उस राजनीति के हिसाब से माननीय शिवपाल यादव जी काम नहीं कर सकते हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम करेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के उन नौजवानों को एक मौका देगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अच्छे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम करेगी। इसलिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ। यहाँ स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जिसके अंदर क्षमता है उसको ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मौका देगी, जो कि राजनीति में लगभग समाप्त हो गया है। राजनीति में आज चाटुकारों का बोलबाला है, राजनीति में आज कान फूकने वालों का बोलबाला है, राजनीति में अच्छे लोग राजनीति से दूर जा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी इकट्ठा करने का काम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी करेगी। और उसी कड़ी में आज मैं आया भी था लखनऊ शहर के लिए, उत्तर प्रदेश के जाने माने डॉक्टर हैं डॉक्टर आर के ठुकराल साहब, जिनका एक नाम है अपना पूरे उत्तर प्रदेश में, आज माननीय शिवपाल यादव जी के आदेश पर मैं उनसे स्वयं से मिलने गया था। तो हमारे पार्टी का सिस्टम क्या है ये कहने के लिए स्वतः साफ है, हम लोग अच्छे लोगों को जोड़ेंगे, अच्छे लोगों को मौका देंगे, और जो योग्य है उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए हम लोग निश्चित तौर पर उसे चुनाव भी लड़ने का काम करेंगे। चलिए सर, आगे आपके बारे में जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि इस मुकाम पे हैं, इतना आपने सफर तय किया, इस मुकाम पे पहुंचे, सर कैसा अनुभव लगता है? निश्चित तौर पर हम तो यही कहेंगे कि जीवन में इस तरीके के संघर्ष अगर किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी में ना आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
संघर्ष वो चीज है, परेशानी और मुसीबत दुनिया में वो चीज है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग दम तोड़ देते हैं। सैकड़ों लोग जब संघर्ष करते हैं तो उसमें से 2-4, 10 लोग, 5 लोग ही मंजिल तक पहुंच पाते हैं। हम तो यही आपके माध्यम से उन तमाम लोगों से आह्वान करना चाहते हैं जिनको आज परमपिता परमेश्वर ने कुछ भी करने लायक बनाया है, कि जो अच्छा व्यक्ति समाज में कुछ करना चाहता हो उसे मौका दिया जाना चाहिए। अगर हमारे थोड़े से प्रयास से कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है तो निश्चित तौर पर हमारा धर्म बनता है, मेरी जिम्मेदारी भी बनती है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और अच्छे लोगों को समाज के हर फील्ड में मौका देना चाहिए। मैं अपने जीवन में जरूर आपके चैनल के माध्यम से भी संकल्प लेता हूं, जो कि मैंने ले ही रखा ऑलरेडी, कि मेरा आप तो कोई नहीं था इसलिए मुझे 25 साल लग गया, 26-27 साल लग गया यहां तक पहुंचने में, लेकिन अगर हमारे प्रयास से किसी के जीवन में खुशियां आ सकती हैं तो मैं ये काम 25 दिन से लेकर के 25 महीने में भी करने की इच्छा रखता हूं और जीवन भर का भी संकल्प रहेगा कि मेरे प्रयास से किसी के जीवन में अगर खुशी आ सकती हो, मुझसे पहले भी कोई आगे बढ़ सकता है, तो जिंदगी भर ये काम करता रहूंगा। उसी में मुझे खुशी मिलती थी, आज भी मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। सर, आगे आपसे जानेंगे कि जैसे राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था फिर भी आज इस मुकाम पे हैं, आपने जैसे संघर्षों का नाम लिया, तो आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि किन किन संघर्षों का सामना किया आपने। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है आज के समाज में जी। जब कोई साधारण परिवार का व्यक्ति अगर अपना विचार रखता है उसे अपमानित किया जाता है, जब कोई साधारण परिवार का व्यक्ति राजनीतिक और सामाजिक दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे वहां पर अपमानित किया जाता है, जब कोई साधारण व्यक्ति परिवार का व्यक्ति किसी भी चुनाव में भाग लेने की कोशिश करता है तो उसे अयोग्य समझ करके वहां से निकाल दिया जाता है। हम लोगों ने कोशिश की 15-16 साल इस लखनऊ शहर में रहने के बाद, पहले नजदीक से सब कुछ समझा, लोगों की बातों को समझा, लोगों की समस्याओं को समझा, दिक्कत कहाँ कहाँ आएगी वो समझा। दूसरे नंबर पर जीवन में हमेशा ये कोशिश रही, ठीक है भाई मुझे मौका नहीं मिल सकता, जिसको मौका मिल सकता उसी के दे दो, उसी के साथ लग जाऊंगा। ये करते करते जब हम दूसरे को मौका देंगे तो एक समय ऐसा आ ही जाता है, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद हो ही जाता है कि आपको मौका मिल ही जाएगा। एक उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं कि हम व्यापारी राजनीति में थे, लंबे समय से उस संगठन को मैं चला रहा था, लेकिन जब भी कोई सम्मानजनक मौका आता था सब कुछ करने के बाद हमारा ही नंबर नहीं लग पाता था। एक बार हम लोग एक कार्यक्रम मोती महल में करा रहे थे और यह था कि उस कार्यक्रम का मैं संचालन करूंगा, मुझे वहां से हटा दिया गया, लेकिन जो संचालन करता था, जब भगवान का आशीर्वाद होना शुरू होता वो चला गया बाथरूम करने, और जो वक्ता था वो बीच में उसका भाषण हो गया समाप्त। अब जब भाषण समाप्त हो गया तो कोई तो संचालन करता वहां पे चाहिए, मैं बगल में खड़ा था, स्वाभाविक बात है मैं खड़ा था तो हमने माइक को पकड़ लिया। अब हमने जब संचालन किया उस कार्यक्रम का तो उसके बाद जिस वक्ता का नंबर आया उसने अपने विचार रखे, जब नीचे से नहीं जब मंच पर बैठा हुआ नेता दोबारा हमको वहां से हटाने की कोशिश करने लगा तो नीचे की जो पब्लिक थी वो हमारे समर्थन में खड़ी हो गई, क्योंकि साफ साफ वो कहने लगी कि इस काम का उपयुक्त व्यक्ति यही है और इसको मौका दिया जाना चाहिए। ऐसी ऐसी घटनाओं के तहत मौका मिलता चला गया। मेयर का चुनाव हम दूसरे को लड़ाने जा रहे थे लखनऊ शहर में, हमने कहा तुम्हें चुनाव लड़ाऊंगा, मजबूती से लड़ो, मैं तुम्हें लड़ा दूंगा। जब वो व्यक्ति पीछे हट गया हम मैदान में आ गए, 23-24 हजार वोट लेकर के हम निर्दलीय लखनऊ शहर में आ गए। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं कि जिसके मन में अच्छे विचार हैं निश्चित तौर पर परमपिता परमेश्वर उसकी मदद करता है और मदद होगी भी। लोगों को अच्छे विचार अच्छी सोच लेकर के राजनीतिक दुनिया में आना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात और कहने जा रहा हूँ, 90 से लखनऊ शहर में हूँ, राजनीति में हूँ, हम लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का भी कोई छींटा भी नहीं है जी। काजल के कोठरी में है, दो दो चीफ मिनिस्टर के साथ रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जहां लोग कहते हैं उस दलदल से कोई निकल ही नहीं सकता। हम माननीय अखिलेश दास गुप्ता जैसे व्यक्ति के लोकसभा प्रभारी रहे, रोड शो इंचार्ज रहे, नुक्कड़ सभा इंचार्ज रहे, सब बेदाग है जीवन, कहीं किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, करप्शन का कोई आरोप नहीं है, चरित्र पर कोई दाग नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, संघर्षों की जब बात आती है, संघर्ष सड़क पर उतर के होता है, वो हम लोग के खून में। इसी 4 महीने की सरकार में डीजीपी को हमने घेरा, डीएम लखनऊ को हमने घेरा, नगर आयुक्त को हमने घेरा, राजभवन को हमने घेरा और बड़ी संख्या में टीम लेकर के गए। और डर कभी नहीं लगता, जो आदमी ईमानदार होगा, जिसके मन में ईमानदारी का भाव होगा, वो कभी भी किसी
गलत कार्य करने वाले व्यक्ति से किसी कीमत पर डर नहीं लग सकता है और हम लोग भी डरते नहीं हैं, पूरी ताकत के साथ जनता के साथ खड़े हैं, जीवन भर खड़े रहेंगे, जो भी जनता का आदेश होगा उसकी उसी हिसाब से सेवा करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा सर। आने वाले समय में आपको हम किसी पद पे विराजित होते देख सकते हैं? निश्चित तौर पर वर्तमान में मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लखनऊ जैसी राजधानी का अध्यक्ष हूँ, पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, अपना खुद का एक संगठन उद्योग किसान व्यापार मंडल उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं और दोनों इच्छा है। पहले तो लगता था कि विधायक बनाएंगे, अब उसमें भी एक सवाल है कि रात 10 बजे के बाद 90% जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठता, रात में 11 बजे किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी जनप्रतिनिधि को अगर आप अस्पताल ले जाना चाहते हो देखने के लिए, राजधानी में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक भी नेता ऐसा नहीं है कि आप रात में अपने किसी परिवार को दिखाने के लिए किसी अस्पताल लेकर चले जाए। ऐसी स्थिति में हम लोगों के मन में भी ये भाव आया कि क्यों ना हम ही विधायक बने, क्योंकि हम तो 24 घंटे उपलब्ध हैं लोगों के लिए। तो वर्तमान में हम लोग खुद भी चुनाव लखनऊ से लड़ेंगे और जो अच्छे लोग होंगे उनको चुनाव लड़ाने का भी काम करेंगे। हम लखनऊ शहर की जनता से आह्वान करते हैं कि जिस भी लायक माँ भगवती ने परम पिता परमेश्वर ने हमको आज बना रखा है, जो हमें जानता है उसको अच्छे तरीके से पता है कि हमारा पीसीओ के तरीके से मोबाइल नंबर बटा हुआ है, जिस भी लायक वो जहां समझे, मैं और कुछ कर ना पाऊं एक काम जरूर कर सकता हूं, लखनऊ शहर में एक कोने से दूसरे कोने में लोगों को ले जाना, अच्छे लोगों से एक दूसरे को मिलवाना और उसके दुख दर्द में खड़ा रहना, ये हमारा शौक है, जिंदगी भर करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे अजय त्रिपाठी उर्फ मुन्ना जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता, महानगर अध्यक्ष लखनऊ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया उत्तर प्रदेश से, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष हैं उद्योग किसान व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश से, जिनसे आपको रूबरू कराया। उन्होंने अपने बुलंद आवाज में अपनी जनता के लिए एक मैसेज भी दिया, साथ ही ये भी बताया कि वो हमेशा 24/7 लोगों के लिए खड़े हैं, हमेशा तत्पर हैं उनकी सेवा के लिए। ऐसे ही खास शख्सियत के साथ मिलाते रहेंगे आपको, तब तक मुझे यानी मनीषा को दे इजाजत, बने रहे न्यूज़ पर। नमस्कार।